इंडिया में मर्सिडीज़ कंपनी की सबसे सस्ती गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? वैसे तो मर्सिडीज़ कंपनी की सस्ती कारें नहीं हैं, लेकिन फिर भी सीक्वल के हिसाब से सबसे सस्ती कार कौन सी है इस लिस्ट से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैं आपको 10 कारें बताऊंगा वो भी सीक्वल से। वैसे तो मर्सिडीज़ कंपनी की 10 से ज़्यादा कारें हैं, लेकिन मैं आपको सस्ती कारों के हिसाब से बताऊँगा तो मैंने 10 कारें ली हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। मर्सिडीज बेंज GLS। GLS एक 7-सीटर SUV कार है और इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसमें 3.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर 362 BHP की और 500 Nm का टॉर्क है। दूसरा इंजन इसमें डीजल में मिलता है, वो भी 3.0 लीटर का ही है, जिसकी पावर है 325 BHP की और 700 Nm का टॉर्क है। और गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है, मैनुअल नहीं मिलता। कार की कीमत है 99,90,000 रुपये की, यानी 1 करोड़ में सिर्फ 1 लाख रुपये की कमी है। ये जो कीमत है वो एक्स शोरूम कीमत है, ना कि ऑन रोड। मर्सिडीज बेंज CLS। CLS एक 5-सीटर कॉप कार है। ये गाड़ी इंडिया में डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, जिसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसकी पावर 241 BHP की और 500 Nm का टॉर्क है। गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। कार की एक शोरूम कीमत है 86,39,000 रुपये की। मर्सिडीज बेंज E-क्लास ऑल-टेरेन। E-क्लास ऑल-टेरेन एक 5-सीटर वैगन कार है। ये गाड़ी भी डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, जिसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 191 BHP की और 400 Nm का टॉर्क है ये जो इंजन जनरेट करता है। और गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। मर्सिडीज़ कंपनी की सभी गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलेगा, मैनुअल नहीं मिलेगा। कार की एक शोरूम कीमत है 77,25,000 रुपये की। फिर आइए मर्सिडीज बेंज GLE। GLE एक 5-सीटर SUV कार है और इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसमें डीजल में 2 इंजन का ऑप्शन और पेट्रोल में 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 362 BHP की और 500 Nm का टॉर्क है। और डीजल में मिलता है इसमें दूसरा इंजन 2.0 लीटर वाला, जिसकी पावर है 241 BHP की और 500 Nm का टॉर्क है। डीजल का दूसरा इंजन 3.0 लीटर का है, जिसकी पावर है 325 BHP की और 700 Nm का टॉर्क है। कार की कीमत है 73,70,000 रुपये से लेकर 1,25,00,000 रुपये तक की। फिर आइए मर्सिडीज बेंज V-क्लास। V-क्लास 7-सीटर MUV कार है। ये गाड़ी डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, लेकिन डीजल में 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है, एक 2.2 लीटर डीजल इंजन, जिसकी पावर है 161 BHP की और 380 Nm का टॉर्क है। दूसरा इंजन इसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन है, जिसकी पावर 160 BHP की और 380 Nm का टॉर्क है। गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। कार की कीमत है 71,10,000 रुपये से लेके 1,46,00,000 रुपये तक की। फिर आइए मर्सिडीज बेंज GLC कोप। GLC कोप 5-सीटर कोप कार है और गाड़ी इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 255 BHP की और 370 Nm का टॉर्क है। और डीजल में मिलता है 2.0 लीटर डीजल इंजन, जिसकी पावर है 241 BHP की और 500 Nm का टॉर्क है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 62,70,000 रुपये से लेके 63,70,000 रुपये तक की। फिर आइए मर्सिडीज बेंज E-क्लास। E-क्लास 5-सीटर सेडान कार है और इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसमें डीजल में 2 इंजन का ऑप्शन और पेट्रोल में भी 2 ही इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 194 BHP की और 300 Nm का टॉर्क है। दूसरा पेट्रोल का 4.0 लीटर है, जिसकी पावर है 603 यानी 603 BHP की और 850 Nm का टॉर्क है। अब बात करते हैं डीजल इंजन की। जो 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 192 BHP की और 400 Nm का टॉर्क है। डीजल में दूसरा इंजन का ऑप्शन मिलता है 3.0 लीटर, जिसकी पावर है 255 BHP की और 620 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 59,07,000 रुपये से लेके 1,50,00,000 रुपये तक की। मर्सिडीज बेंज GLC।
GLC 5 सीटर SUV कार है और इंडिया में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन है मिलती है। इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 197 BHP की और 320 Nm का टॉर्क है। डीजल में मिलता है 2.0 लीटर डीजल इंजन जिसकी पावर है 194 BHP की और 400 Nm का टॉर्क है। गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। कार की एक शोरूम कीमत है 52,75,000 रुपये से लेकर 57,75,000 रुपये तक की। फिर आइए मर्सिडीज बेंज सी क्लास। सी क्लास 4 सीटर सेडान कार है और इंडिया में दो इंजन के ऑप्शन मिलती है। डीजल में एक और पेट्रोल में 4 इंजन का ऑप्शन मिलता है। जी हाँ, इस कार में पहला पेट्रोल में मिलता है 2.0 लीटर जिसकी पावर है 201 BHP की यानी 201 और 280 Nm का टॉर्क है। दूसरा पेट्रोल का 2.0 लीटर है जिसकी पावर है 258 BHP की और 370 Nm का टॉर्क है। तीसरा पेट्रोल इंजन है 3.0 लीटर वाला जिसकी पावर है 384 BHP की और 520 Nm का टॉर्क है। चौथा पेट्रोल इंजन 4.0 लीटर है जिसकी पावर है 476 BHP की और 650 Nm का टॉर्क है। और डीजल में एक इंजन का ऑप्शन मिलता है जो कि 2.0 लीटर है जिसकी पावर है 194 BHP की और 400 Nm का टॉर्क है। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 40,90,000 रुपये से लेके 1,33,00,000 रुपये तक की। अब आइए मर्सिडीज कंपनी की सबसे सस्ती कार, गैस करके बताइए कौन सी है। यह है मर्सिडीज बेंज GLA क्लास और 5 सीटर SUV कार है और इंडिया में दोनों इंजन के ऑप्शन है मिलती है डीजल और पेट्रोल में। इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसकी पावर है 183 BHP की और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। दूसरा इंजन डीजल का मिलता है जो 2.2 लीटर डीजल इंजन है जिसकी पावर है 136 BHP की और 300 Nm का टॉर्क है। इस कार में भी सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, मर्सिडीज कंपनी की सभी गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है। कार की एक शोरूम कीमत है 32,33,000 रुपये से लेके 41,51,000 रुपये तक की। तो मर्सिडीज कंपनी की सबसे सस्ती कार SUV कार है। तो आप हमें बताइए कि मर्सिडीज कंपनी की सबसे अच्छी और खूबसूरत कार कौन सी है।